दोस्तों योद्धा फिल्म का 3 दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है और योद्धा फिल्म 3 दिन में कितना कमाते हुए नजर आ रही वो बताऊंगा। योद्धा फिल्म के साथ कुछ भी अच्छा नहीं रहा है, ना फिल्म, ना इसकी मार्केटिंग, ना ही इसका कलेक्शन। योद्धा का फर्स्ट डे का जो कलेक्शन आया वो 4.25 करोड़ तक का आया है, 4.25 करोड़। सेकेंड डे 6.01 करोड़, 6.01 करोड़ और तीसरे दिन का कलेक्शन आया है 7.25 करोड़, 7.25 करोड़। और 3 दिन के कलेक्शन के बाद फिल्म का टोटल आया है 17.51 करोड़, 17.51 लाख। फर्स्ट डे फिल्म का कलेक्शन जो 4.25 करोड़ आया तब मेकर्स को समझ में आ गया कि फिल्म को देखने के लिए पब्लिक नहीं आने वाली है या फिर बहुत ही निम्न मात्र पब्लिक आएगी। तो सेकेंड डे उन्होंने बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर कर दिया, क्योंकि आजकल बाय वन गेट वन फ्री पर भी पब्लिक नहीं आ रही है। और वैसे ही इस फिल्म के साथ देखने को हुआ कि बाय वन गेट वन फ्री के बावजूद पब्लिक बहुत ज़्यादा नहीं आई, और उसके बावजूद सेकेंड डे इसका 6.01 करोड़ का कलेक्शन आया। संडे को 7.25 करोड़, 7.25 करोड़ टोटल हो चुका है 17.51 करोड़, जिसे मैं कह रहा हूँ यानी 3 दिन में इस फिल्म ने 17.5 करोड़ की कमाई की है। इसका बजट किसी भी हाल में कम से कम 70-80 करोड़ के रेंज में होगा, 70 करोड़ तो कम से कम, बहुत कम बोल रहा हूँ मैं। और इसका कलेक्शंस उसका आधा मुश्किल से होने वाला है, क्योंकि यहाँ से फिल्म कहाँ जाएगी आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, क्योंकि 3 दिन फिल्म चली कैसे भी। अब बाय वन गेट वन फ्री तो आपने सैटरडे संडे को ही कर दिया, तो मंडे से क्या करोगे? और टिकट प्राइस भी कम लेते हैं मंडे से, यानी कि फिल्म का लाइफ टाइम मैं कम से कम 30-35 करोड़ के रेंज में देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा फिल्म जाने वाली नहीं है। और एक और चीज़, बॉलीवुड को अब सिंगल हीरो वाली फिल्म बनानी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक नहीं देख रही है। एंड दैट्स ए ट्रू फैक्ट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग कि ऑडियंस को बहुत अलग पिक्चर चाहिए, बहुत अलग, और जो आप दे रहे हो वो पब्लिक देख देख के बोर हो चुकी है।